अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खुशबाश हूँ, मज़े में हूँ। आज मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो कि मेरे घर में ख़ुद यूज़ होता है, उसके बेनिफिट्स, उसके यूज़ेस के बारे में बताऊंगी कि उसको कहाँ कहाँ कैसे यूज़ किया जा सकता है, स्पेशली विंटर्स में उसके क्या क्या यूज़ेस हैं और वो किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। टाइम ज़ाया किए बिना मैं आपको इसके सबसे पहले जो है वो बेनिफिट्स बताऊंगी और उसके बाद यूज़र्स बताऊंगी, क्योंकि जब बेनिफिट्स पता चलते हैं तो यूज़ करने में भी बड़ी आसानी भी होती है और मतलब इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है हमारा उसके लिए। व्यूज़ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आप देखें ये मेरे घर के अंदर यूज़ होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं इसके बारे में आज हम बताएंगे। वेट लॉस के लिए, स्किन की ग्लोइंग के लिए, जिगर की सफाई के लिए आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये मैं आपको इसमें बताऊंगी। विंटर स्टार्ट होता है तो हम कहवा, चाय और कॉफ़ी वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। वो हमारे लिए अच्छी तो होती है, लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि हमारी जो स्किन में ड्राइनेस पैदा हो जाती है, हमारे बालों में ड्राइनेस पैदा हो जाती है और हम कहते हैं कि जी ये तो मौसम की वजह से बाल झड़ रहे हैं और स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि चाय, कहवा और कॉफ़ी, ये तीनों चीज़ें हमारे स्किन के अंदर ड्राइनेस पैदा करती है। जब भी आप कोई चाय या कॉफ़ी लें तो आप उसके अंदर एक टीस्पून जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का ऐड कर लें। उससे ये होगा कि आपकी स्किन के अंदर ड्राइनेस नहीं होगी बल्कि स्किन ग्लो करेगी। और अगर आप कॉफ़ी के साथ, स्पेशली जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, जिम में वेट लॉस के लिए वो वर्कआउट करते हैं, तो उन्हें कॉफ़ी के लिए कहा जाता है कि ब्लैक कॉफ़ी पिए, तो ब्लैक कॉफ़ी के अंदर अगर आप ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ये अगर आप ऐड कर लेते हैं तो उससे आपकी जो है ना वेट लॉस करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि ये टमी के फ़ैट को, स्पेशली टमी फ़ैट को ये ख़त्म करता है, कट करता है। उसके अलावा आप जब घर में कोई भी कॉमनली सैलड बनता है, जो भी हम बनाते हैं, प्रोटीन सैलड, अनियन सैलड, किसी भी किस्म का आप सैलड बनाते हैं, उसके अंदर आप एक टेबल स्पून इसको ऐड कर लें और उसके साथ आप ब्लैक पेपर और लेमन जूस, ये तीनों चीज़ें जब आप अपने सैलड में ऐड करेंगे तो उसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है और उसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपकी स्किन में ग्लो आता है। और उसके अलावा जो है जिगर की सफाई के लिए ये बेस्ट है, इससे जिगर की सफाई हो जाती है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है कि हम इसको बोलें कि जी तेल हम पी रहे हैं या तेल हम इनटेक कर रहे हैं तो इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये आप ईज़िली आराम से पी सकते हैं विंटर्स। और अगर आप चाय, कॉफ़ी में या कहवा में नहीं यूज़ करना चाहते तो आप डेली एक टेबल स्पून जो है इजीली आप इसको पी लें, तो इससे भी आपको वही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो सैलड में या कॉफ़ी में मिलते हैं। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो, आज का जो मेरा टॉपिक था वो आप लोगों को किस तरह का लगा, पसंद आया नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर किसी नए टॉपिक, किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।